नमस्कार, मैं जनक ठाकर हिंदुस्तान की आवाज की तरफ से। जैसे कि 2019 का रण पूरा सज चुका है, आज हम यहाँ पे कुबेर नगर के एक चौराहे पे मौजूद है। यहाँ पे हमारे साथ कुछ कांग्रेसी और बीएसपी के लोकल नेता मौजूद है, तो हम ज्यादा वक्त ना लेते हुए एक काम करते हैं, सीधे चलते हैं और कांग्रेस और बीएसपी के जो नेता हैं उन्हीं से मिलके 2019 के जो चुनावी रण के बारे में बात करते हैं। तो शुरुआत करते हैं, कांग्रेस के जो नेता है वो अपना परिचय देंगे और उनसे ही बात की शुरुआत करते हैं। जी, हिंदुस्तान की आवाज के अंदर आज एक बहुत ही सकारात्मक डिबेट का आयोजन किया है। मेरा नाम मुकुल सिंह राजपूत है। मैं 2015 में म्यूनसिपल काउंसिलर का चुनाव कुबेरनगर वार्ड से लड़ा हूँ और पूर्व चेयरमैन अहमदाबाद से कांग्रेस नगर डिपार्टमेंट। जी, जैसे आपने देखा कांग्रेस से हमारे साथ जो उपस्थित है उन्होंने अपना परिचय दिया। हम एक बार अब बीएसपी से जो हमारे साथ उपस्थित है उनका परिचय ले लेते हैं, बाद में हम अपनी बात रखते हैं। जी, जी, तो जी बीएसपी की ओर से एक और उम्मीदवार है यहाँ पे, मतलब जो मौजूद है हमारे पास, उनसे एक बात करते हैं। मेरा नाम परमार चंद्रकांत है। मैं नरोड़ा विधानसभा बहुजन समाज पार्टी का पदाधिकारी और सभी कार्यकर्ताओं की ओर से हिंदुस्तान की आवाज़ को मैं बधाई देता हूँ कि उनकी चैनल जन जागरण का काम कर रही है, इसके लिए मैं उनका आभारी हूँ। 19 के रण की, तो जैसे कि हमारे पास यहाँ पे मौजूद है बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, तो सबसे पहले हम इस मुद्दे पे आते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो अभी सत्ता में है उस पार्टी को लोकतंत्र का हवाला देते हुए गिराने के लिए या हराने के लिए बाकी देश की जितनी भी पार्टियां हैं सभी पार्टियों ने ऐसा कहा था कि हम एकजुट होंगे, एकजुट होकर लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी जो है उसे हम बताएंगे कि एकता की और लोकतंत्र की जीत होगी। पर जैसे कि हमने पिछले कुछ दिनों में देखा, उत्तर प्रदेश की ही बात ले लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी, इन दो पार्टियों का गठबंधन हुआ है, पर जिसे हम कहते हैं कि जो देश की एक नेशनल पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जैसे कि बात चल रही थी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का भी गठबंधन हो सकता है, रिश्ते की बात चल रही थी, लड़के ने लड़की को देखा, लड़की ने लड़के को देखा, पर पता नहीं क्या हो गया कि ना तो लड़के को लड़की पसंद आई ना लड़की को लड़का पसंद आया और बात वही अटक गई। तो हम बाकी तो किसी पार्टी की तरफ से है हमारे पास कोई मौजूद नहीं है, पर कांग्रेस की ओर से हमारे पास यहाँ पे जो मौजूद है भाई जी, उनसे हम पूछते हैं कि ये रिश्ता हो क्यों ना पाया। तो आइए सीधे उन्हीं से बात करते हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन होने की बात थी और बहुजन समाजवादी भी पार्टी भी उसमें जुड़ सकती थी क्योंकि लोकतंत्र को बचाने की बात चल रही थी, तो अब जानते हैं कि कौन लोकतंत्र बचाना चाहता है या क्या करना चाहता है। तो हम सीधे बात करते हैं कांग्रेस के जो नेता हमारे पास उपस्थित हैं कि उत्तर प्रदेश में, मतलब उत्तर प्रदेश के अलावा भी पूरे देश में अगर हम लोकसभा की बात करें तो फिलहाल तो ऐसा कोई गठबंधन हुआ नहीं है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच। तो हम सीधे कांग्रेस के नेता से पूछते हैं कि ये जो रिश्ता पक्का नहीं हो पाया है, ये जो गठबंधन नहीं हो पाया है, इसके पीछे क्या क्या मुद्दे या क्या क्या कारण मौजूद है। जी, तो पूछते हैं जी, उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन, आपने जो बात कही कि लड़के ने लड़की को देखा और लड़के ने लड़की को देखा लेकिन दोनों को पसंद था, उसके बाद में ये रिश्ता कैसे नहीं बैठा, तो मैं उसी बात को आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहता हूँ कि ये हमेशा से कोई रिश्ते की या सामाजिक, अब ये राजकीय व्यक्ति रिश्ता था, तो राजकीय रिश्ते के अंदर ऐसा है कि दोनों को सब कुछ पसंद था लेकिन
अपने अपने व्यक्तिगत भी विचार होते हैं, व्यक्तिगत डिसीजन होता है, उसी तरीके से बसपा और समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपना राजकीय जो मतलब गठबंधन है वो किया है। हम उस गठबंधन का स्वागत करते हैं। कांग्रेस की ओर से हमारे लीडर ने भी कहा है कि हम BSP और सपा दोनों ही लीडर्सों का हम सम्मान करते हैं और कांग्रेस अपने दम पर उत्तर प्रदेश का चुनाव लोकसभा में लड़ने जा रही है और कम से कम उन जो सेकुलर हैं जो ये चाहते हैं कि हम भाजपा जो लोकसभा चुनाव के अंदर आमना सामना करने जा रहे हैं और लोकतंत्र को बचाने की कोशिश में जो कांग्रेस के साथ आना चाहता है उसके लिए दरवाजे खुले हैं और कांग्रेस अकेले अपने दम पर उत्तर प्रदेश जीतने जा रही है। सिंह जी, मेरे दोस्त जो आप मेरे सहयोगी ने आपको क्वेश्चन किया उसका लेकर ही है कि आपको देखा जाए तो दो दिन में आपका मन मोटाव चला, मायावती जी राहुल गांधी के लिए सोनिया गांधी में लेकिन सीट बंटवारे के लिए आपकी जो पार्टी नहीं बन पाई उनका अगर सूत्रों से मतलब ये भी बात आ रही है कि आपकी जो सीट बंटवारा था वो मायावती को ज़्यादा चाहिए था, आपको कम मिल था, क्यों ऐसा हुआ? तो आप एक ही जब मैंने पहले अपने अगले प्रश्न के अंदर ये बता दिया कि भाई राजकीय अपनी अपनी भूमि को बचाने के लिए अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उसकी लड़ाई नहीं है, आज लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है और लोकतंत्र को बचाने के लिए हम किस तरीके से किस बेस पर हम आपस में संगठन में एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। हमने पहले भी कहा कि हम उन दोनों ही पार्टियों का सम्मान करते हैं, हम अपनी ताकत से उत्तर प्रदेश के अंदर लड़ रहे हैं। आला नेताओं ने क्या तय किया, क्या रणनीति बनाई है, ये हमारे पास सर्कुलेशन आने के बाद हम लोकसभा के अंदर उतरेंगे और पूरे जोश और होश के साथ में चुनाव लड़ेंगे। मुकुल सिंह, जब आपका विधानसभा चुनाव होता है तभी आप विधानसभा में ये बोलते हैं हम भाई की ताकत से लड़ेंगे और लोकसभा की जब बात नहीं बन पाती आप सीधे ऊपर जाते हैं कि हम अपनी ताकत से लड़ेंगे, क्यों ऐसा बार बार आपका निवेदन क्यों बन जाता है? कांग्रेस देश की सबसे पहली और राष्ट्रीय पार्टी है, उसका अपना एक अस्तित्व है और उसके अपने कार्यकर्ता है, जो कार्यकर्ताओं को संभालने के लिए और उन कार्यकर्ताओं के अंदर जोश भरने का जो कार्य कांग्रेस पार्टी करती है हमेशा से। जब ये राष्ट्रीय चुनाव होने जा रहे हैं, आम चुनाव होने जा रहे हैं, तो उसके अंदर हमें निर्णय भी राष्ट्रीय लेना पड़ेगा। हम क्षेत्रीय पार्टियों के साथ में क्षेत्र में उनके साथ गठबंधन कर सकते हैं, जहाँ पर हम BJP को राज्य में रोकने की ताकत रखते हैं तो ये संगठन हमको बनाना पड़ता है और हम उसके साथ जाते हैं। उसी तरीके से राष्ट्रीय मुद्दों पर हम राष्ट्रीय भावना के साथ में कांग्रेस अपने नेतृत्व के साथ में जो भी क्षेत्रीय पार्टी उसके साथ जुड़ना चाहती है हम नेशनल लेवल पर उसको साथ लेकर के चलेंगे। हालांकि कांग्रेस क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, राष्ट्रीय पार्टी है, इसके लिए उसका निर्णय भी राष्ट्रीय होता है। जी, इसी वक्त ये मुद्दा बार बार पूछा गया था, कसमें खाई गई थी कि उन्होंने आज उठा के कहा था कि मुद्दा लोकसभा तक नहीं उठेगा, तब BJP ने यही कहा था, BJP ने यही तो बात है सबसे बड़ा मुद्दा उठाया था, उन्होंने कहा कि 6 महीने होने दो ये आपका गठबंधन नहीं चलेगा, वही हुआ उनकी बात में सहमत है और वही आज जी हमारे सहयोगी के साथ एक और बात मैं जोड़ना चाहूँगा। चलिए फिलहाल तो ऐसा है कि रिश्ता पसंद नहीं आया और बात नहीं बनी तो शादी तक तो बात पहुँचेगी नहीं, पहली बात तो ये बहुत साफ तौर पे हो चुकी है, सपा की बात है। पर मैं अभी आपसे पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी तो चुनाव हुए नहीं है, अभी फिलहाल चुनाव से पहले कोई गठबंधन हुआ नहीं है कांग्रेस का UP में सपा या बसपा के साथ, पर आप जैसे बता रहे हैं कि आप लोकतंत्र के लिए लड़ना चाहते हैं, लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं, तो मैं मुकुल जी आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ एज ए कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि अगर चुनाव के बाद कुछ नतीजे आए तो क्या नतीजों के बाद आप ऐसा कुछ सोच सकते हैं कि अगर आपको सपा या बसपा की मदद की ज़रूरत पड़ी या सपा या बसपा को आपकी मदद की जरूरत पड़ी लोकतंत्र को बचाने के लिए, तो जो रिश्ता अभी पक्का नहीं हुआ है क्या उसमें कोई ऐसा अंश छिपा है या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी छिपी है कि वो रिश्ता अभी नहीं पर बाद में हो सकता है या फिर या ये अभी नहीं तो कभी नहीं वाली बात है? तो पहले मुझे जरा लोकतंत्र को बचाने की जो आप बात करते हैं उसमें जो सार छिपा है कि फिलहाल तो ये बात नहीं हुई है, पर क्या आगे अगर आप सबको मिलके लड़ना पड़ा लोकतंत्र को बचाने के लिए तो चुनाव के बाद परिणामों के आने के बाद अगर आपको एक होके एकजुट होके लोकतंत्र को बचाने की ज़रूरत पड़ी तब क्या आप एक होंगे लोकतंत्र को बचाएंगे या अपनी अपनी क्षेत्रीय, हालांकि कांग्रेस क्षेत्रीय नहीं राष्ट्रीय पार्टी है, सपा और बसपा फिलहाल हम क्षेत्रीय पार्टी यूपी
और काफी और राज्य में है, पर नेशनल पार्टी या राष्ट्रीय पार्टी हम नहीं कह सकते हैं। तो मैं वही यही बात जो है आपसे भी पूछना चाहता हूँ, सपा से भी पूछना चाहता हूँ और बसपा से भी पूछना चाहता हूँ, क्योंकि ये लोकतंत्र को बचाने की बात है, ये मात्र अपना या अपनी पार्टी का अस्तित्व बचाने की बात नहीं है। तो पहले मैं मुकुल जी से शुरुआत करना चाहूँगा कि क्या परिणामों के बाद वो किसी भी तरह की मदद सपा या बसपा को करने को तैयार है, और क्या सपा या बसपा अगर लोकतंत्र बचाने की जरूरत पड़ी तो कांग्रेस को दोनों मिलके हाथी और साइकिल का हाथ मिल पाएगा क्या? जी मुकुल जी, क्या देते आप? आपके प्रश्न का जवाब आपको मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ से मिल जाता है। जब हम लोग सभा के चुनाव की बात करते हैं, हम लोकतंत्र को बचाने की बात करते हैं, तो आपने देखा होगा मध्य प्रदेश के अंदर हमने लोकतंत्र की हत्या करने वाली भाजपा को कैसे रोका। वहाँ पर सपा बसपा और निर्दलीय सभी ने कांग्रेस के साथ आकर के एक सुर में कहा कि हम लोकतंत्र को बचाने के लिए एक साथ हैं। नहीं, मैं यही पूछना चाहता हूँ, जब ये चुनाव हुए उससे पहले किसी भी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं हुआ था? हुआ था क्या? नहीं। हाँ जी, तो आप मध्य प्रदेश ले लीजिए या राजस्थान ले लीजिए, तो जब फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें राजस्थान की या मध्य प्रदेश की, तो कांग्रेस अपने दम पे सत्ता में आए ऐसी पोजीशन नहीं थी, ये बिल्कुल साफ बात है। ना तो कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था, ना बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला था, और राष्ट्रीय लेवल पे सिर्फ दो पार्टी थे। ये बात राजस्थान की बात है, तो पिछले कई सालों से जो परंपरा चली आ रही है, बीजेपी ने बहुत ढोल बजाए थे हम चल में आ जाएंगे, लेकिन राजस्थान एक ऐसा राज्य है वहाँ पे हर किसी की नहीं चलती, 5 साल में जनता अपना फैसला बदल जाती है। ये आप खुद स्वीकारते हैं और उनसे कहा था कि राहुल जी ने कहा था कि आपकी बार ऐसा ही होगा, लेकिन आप उसी में राजस्थान में ऐसा देखा, राजस्थान में कोई ऐसी बड़ी पॉलिटिक पार्टी नहीं है कांग्रेस पार्टी को छोड़ के, लेकिन आप जब एमपी और यूपी की बात करते हैं तो 5 क्षेत्रीय पार्टियां हैं, और लोकसभा के लिए जब आप विधानसभा चुनाव हुई तब आप वोट होकर निकले थे वहाँ पे कि हम हमारा गठबंधन रहेगा। साहब क्या पूछ रहे हैं? अभी हम चलते हैं सीधे सपा के पास, बसपा के पास। जी, हम सपा और बसपा के जो यहाँ पे नेता मौजूद है उनसे भी इसी बारे में बात करेंगे। हमने जैसे उनसे बात की थी, जो बात हमने मुकुल जी से की थी वही मुद्दा हम इनसे बात करना चाहेंगे, उसी मुद्दे पे सपा और बसपा के जो भी नेता मौजूद है उनसे बात करना चाहेंगे। जी, पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी भी एक राष्ट्रीय पार्टी है, और उन्होंने कोई क्षेत्रीय पार्टी का जो आपने बार बार बोल रहे हैं, तो आप अपनी बुक को सुधार लीजिए। बहुजन समाज पार्टी राजस्थान के अंदर 6 सीटें जीत के आई है, मध्य प्रदेश में जीत के आई है, हर राज्यों में उनके लोकसभा के सदस्य भी। एक मिनट, हमारे कांग्रेस की ओर से जो मौजूद है वो कुछ बता रहे थे कितनी पार्टी कितनी सीटें जीती है। जी, राजस्थान में हमारे 6 MLA जीते हैं, और मध्य प्रदेश में हमारे 2 MLA जीत के आए हैं, और 2 MLA के बल पर कांग्रेस पार्टी ने वहां पर सरकार बनाई है, हमने उनको सहयोग किया है। उन्होंने कहा लोकतंत्र बचाने के लिए हम किसी भी गठबंधन कर सकते हैं, तो हमारा आज प्रश्न ये है कि ये बात आपको विधानसभा चुनाव से पहले सोचना चाहिए था, क्योंकि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अकेले ही चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया, और आज जब उनको उत्तर प्रदेश के अंदर बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन हुआ है, तो आज पूरा उत्तर प्रदेश दोनों गठबंधन को स्वीकार कर रोड पर दोनों पार्टियों के झंडे के साथ वहाँ उत्तर प्रदेश की जनता नजर आ रही है, और एक फैसला कर चुकी है कि दोनों पार्टियाँ तो हम उत्तर प्रदेश में चुनाव जीता कर लाएंगे। वहाँ का किसान, वहाँ का बेरोजगार युवा, वहाँ की महिलाएं जो सुरक्षा चाहती है, वो सारी महिलाओं ने तय कर दिया है कि इस बार हम समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन को जिताएंगे। साथ में राजस्थान के अंदर पर हमारी ताकत की मौजूदगी है, उस ताकत के बल पर हम
लोकतंत्र को बचाने के साथ साथ संविधान को पूर्ण रूप से लागू करने की बात भी कहते हैं और वो करके दिखाएंगे। सर एक मैं आपको रोकना चाहूंगा इसी बात को, आपने यही वादा कांग्रेस के साथ किया था, तो क्या जब लोकसभा नहीं लगने से पहले आप यही खेल मैडम यही खेल सपा के साथ नहीं खेले, इसकी क्या गारंटी दे? क्योंकि कांग्रेस ने आपको मिला लिया था, बात खड़े कर दिए थे, लेकिन उसी वक्त अभी अगर लोकसभा लगने से पहले क्या आप ये मुद्दा हुआ, अगर आप अभी तो एक साथ हुए हैं जब पहले भी एक साथ होते हैं, लेकिन लोकसभा लगने से पहले क्या आप अभी एक साथ रहेंगे, मतलब हो जाएगा आपको क्या मालूम? देखिए लोकसभा के अंदर जो समाजवादी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन हुआ है उसको माननीय सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश कुमार जी ने ही बोल दिया है कि इस बार बहन कुमारी मायावती हमारे गठबंधन की ओर से प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं। जिस तरह से उनके सभी लोगों ने मान बना ही चुके हैं तो उसमें कोई टूटना या वो करने की बात नहीं। मायावती जी मतलब बहन जी का जो जन्मदिन था उन्होंने भी एक ऐसी महेच्छा जताई थी, क्या सही बात है ये? हाँ, पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो या कांग्रेस पार्टी का हो, सभी कार्यकर्ताओं का यह उम्मीद लगी रहती है कि हमारी मेहनत से हमारी पार्टी का उम्मीदवार और प्रधानमंत्री बने, तो उसमें हम भुलाई क्या है, हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं और बसपा की विचारधारा में मानने वाले हैं। हम आज भी हमारी माननीय नेता कुमारी बहन मायावती जी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं और उसके लिए हम प्रयत्न। जी बहुत अच्छी बात है, पर इसी मुद्दे को लेकर मैं एक और बात करना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे साथ मौजूद जो बहुजन समाजवादी पार्टी के नेता है उन्होंने पहले तो मुझे ये बोला कि आप करेक्शन कर लीजिए कि हमारी बहुजन समाजवादी पार्टी भी नेशनल पार्टी है। तो मैं हमारे यहाँ पे जो बहुजन समाजवादी के पार्टी के मौजूद जो नेता है उनसे पहले ये मैं सवाल करना चाहूँगा कि क्या एक क्षेत्र एक जाति या एक समुदाय को लेकर सिर्फ और सिर्फ एक जाति और एक समुदाय को सपोर्ट करना किस हद तक सही है? मेहरबानी करके, क्योंकि हम जैसे बोल रहे हैं कि हम हिंदुस्तान की आवाज़ की तरफ से बोल रहे हैं, ये हमारी चैनल का नाम है, पर ये जो आवाज़ निकली है वो हिंदुस्तान की आवाज़ चैनल की आवाज़ नहीं है, ये हिंदुस्तान की आवाज़ है, हिंदुस्तान की जनता की आवाज़ है। तो आप हमें ये सवाल का जवाब दें मेहरबानी करके कि क्या एक समुदाय या एक जाति को फेवर करना सपोर्ट करना ये नेशनल पार्टी होने का सिंबल है? हम मान सकते हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश और कुछ राज्यों में उनकी मौजूदगी है, ये हम मानते हैं, इससे हमें इनकार नहीं है, पर भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। अगर हम सही तौर पे देखें या सही तौर पे देखा जाए तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी नेशनल पार्टी के तौर पे मौजूद है। जैसे कि देखा जाता है कि कांग्रेस को जन्म से ही नेशनल पार्टी का अहदा मिल चुका है और भारतीय जनता पार्टी ने वो अहदा कैसे कमाया वो बात हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि हम लोकतंत्र के बारे में बात करना चाहते हैं। तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप हमें इस सवाल का जवाब दीजिए क्या कि आपकी जो पार्टी है वो राष्ट्रीयकृत पार्टी हो तो क्या सिर्फ एक जाति या समुदाय की पार्टी है या पूरे भारतवर्ष 135 करोड़ लोग जिसमें ना के सिर्फ दलित हो सवर्ण 135 करोड़ लोगों में सब आ जाते हैं, तो आप क्या समझते हैं? मेहरबानी करके लोकतंत्र के हित में हमें इस सवाल का जवाब दीजिए। भारतीय संविधान के दायरे में रहकर हम चुनाव के रणनीति में कूदे हैं और उस आधार पर हम नई सामाजिक व्यवस्था बनाना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी किसी एक जाति को लेकर नहीं चलता है। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव को आप देख लीजिए, वो ब्रह्म समाज से आते माननीय सचिव चंद्र मिश्रा जी, और राजस्थान के अंदर आप किसी एक जाति के लिए कह रहे हैं तो एक जाति के बल पर चुनाव नहीं जीता जाता। तो राजस्थान में हमने 6 MLA चुनाव जीत के आए हैं, मध्य प्रदेश में हमारे एक समय पर 2 लोकसभा के सदस्य चुनाव जीत के आए रहे थे, 15 MLA चुनाव पिछले वक्त जीत के आए हुए थे, इस बार 2 हो गए हैं। मगर इस प्रकार से आप गुजरात के अंदर भी देख लीजिए, छोटा उदयपुर के अंदर आज भी हमारी बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में नगर पालिका चल रही है। तो बहुजन समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की जो नीतिकार है वो जानते हैं और मानते हैं कि किसी एक पार्टी विशेष के लिए कार्य नहीं करती है, उनकी नीतियाँ है सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के साथ में काम को हमारा सूत्र है और उस आधार पर हम लोग काम कर रहे हैं और सबके बीच में जा रहे हैं, कहीं पर हर जगह पर जाकर हम वोट मार रहे हैं। और किसी एक जाति के आधार पर हमने उत्तर प्रदेश के अंदर बहन कुमारी मायावती को 4-4 बार मुख्यमंत्री नहीं बना पाते। सर
विधानसभा में ये बात कर रहे हैं, विधानसभा में आपने ये कहा था हम लोग सब साथ में रहकर लड़ेंगे तो शायद बीजेपी हार जाएगी, और यही कहा था कि आप हम लोग विधान लोकसभा तक भी लड़ेंगे, तो अगर आप सब अलग अलग लोग लड़ेंगे तब तो वैसे बीजेपी जीत जाएगी, क्या कहेंगे? बीजेपी को जीतने का कोई चांस नहीं है इस बार, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्य है उसका कोई परिणाम लक्षी रिजल्ट नहीं आया है, परिणाम नहीं आया है। आप चाहे नोटबंदी ले लीजिए, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में ले लीजिए, जितना पैसा उद्योगपतियों के कर्ज माफी के लिए करते हैं उतना पैसा किसान के लिए करा होता तो आज देश का किसान खुशहाल होता। वही पैसा जैसे JNU जैसी जो बड़ी यूनिवर्सिटी है उनका जो बजट है वो कम कर दिया जाता है, तो क्या शिक्षा से वो मुंह मोड़ लेना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? युवा समझ गया है जो मजदूर है उसकी रोजगारी से वो हाथ धोना पड़ा है, तो सभी लोगों ने तय कर लिया है कि इस बार हम बदलाव चाहते हैं, और उन लोगों ने बदलाव के लिए हम देख आपको बता दें कि कांग्रेस अपने बलबूते पर लड़ रही है, बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते पर लड़ रही है, अपने सहयोग के साथ लड़ रही है, बहुजन समाज पार्टी के लिए राहुल कुमार मायावती के लिए PM बनने के चांसेस इसलिए उज्ज्वल है कि बिहार के अंदर जाइए तो माननीय तेजस्वी कुमार जी यादव है, उन्होंने भी बहन कुमारी मायावती जी के पैर छूते हुए उनको शुभकामना दी है कि आने वाले चुनाव के परिणाम जो भी हो मगर हम बहन कुमारी मायावती जी के साथ खड़े होंगे। उसी तरह से आप यहाँ पर नीचे जाएंगे चंद्रबाबू नायडू जी हैं, सभी लोग ये मानते हैं आपकी बात करते हैं, आपकी बात सही है, माना जाएगा आपकी बात सही है, लेकिन बात करें तो सर एक यूपी में एक बहुत ही मायावती अखिलेश यादव दोनों मिलकर जो एक हुए, लेकिन कुछ साल पहले जो एक गेस्ट हाउस कांड हुआ था वो भी एक बार उसी पे वो भी लोग नहीं भूले हैं, वो भी उसको याद रखना चाहिए। लेकिन उससे पहले मैं सपा के पास भी जाना चाहूँगा, सर आप इसलिए देश की जनता जान चुकी है इनके चेहरे के पीछे जो नकली चेहरा छुपा हुआ है उसकी जो चाल साजी है युवा पहचान चुका है, देश का किसान पहचान चुका है, महिला पहचान चुकी है कि आज देश किस स्थिति से गुजर रहा है। आज 5 मुड़ीपति जो उद्योगपति हैं वो माला माल होते जा रहे हैं, और यहाँ से जो बैंकों का पैसा देश की जनता का पैसा जो 135 करोड़ जो देशवासी हैं उनका पैसा लूट करके विदेश में जाना उसका ये साबित ही है कि भाई देश के प्रधानमंत्री आँख बंद करके चौकीदारी कर रहे हैं। क्यों? तो चौकीदार भागीदार भी है और चौकीदार चोर भी। आपने ये कहा तो आप गुजरात के, मैं आपको एक गुजरात की बात नहीं थी, अभी गुजरात सरकार ने गुजरात वाइब्रेंट चालू रखा है, उसमें हमारे देश में अभी प्रधानमंत्री गुजरात में ही है, तो उनका कहना है कि हर बार जितने भी MIU होते हैं बार बार विपक्ष घेर रहा है उनको, कैसे कोई MIU देश को नुकसान हो रहा है, आप गुजरात से तो ये जो वाइब्रेंट गुजरात है आप कितना सही बात जनता के पैसे में फायदा है, इसके अलावा कुछ नहीं है, धरातल पर इसका कोई ऐसा महत्व नहीं है कि जो मैं वाइब्रेंट वाइब्रेंट समझ सके कि जो एक सकारात्मक आना चाहिए। आज जितने लोगों ने MOU कराया मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कितने लोगों ने उस MOU को कारगर किया, कितने रोजगार पैदा किए और कितने गुजरात के नौजवानों को रोजगार मिला। जब प्रधानमंत्री जी वेस्ट बंगाल से टाटा नैनो का प्लांट यहाँ लेकर के आए और ये कहा कि गुजरात की जनता को मैं रोजगार देना चाहता हूँ, यहाँ के युवाओं को सशक्त करना चाहता हूँ, तो कितने युवाओं को उन्होंने टाटा नैनो प्लांट से रोजगार दिया, वो नैनो प्लांट बंद पड़ा हुआ, आज वो नैनो प्लांट बंद है, और किसानों की लाखों हेक्टर जमीन एक्वायर करके जबरदस्ती सरकार ने अपने दबाव में रख रखी है, क्यों उनको रिलीज नहीं कर देते? छत्तीसगढ़ में जैसे ही सरकार आई देखा कि यहाँ पर टाटा ने कोई प्लान नहीं किया, किसी
तो कोई रोजगार के ऐसे अवसर पैदा नहीं किए, तो उन्होंने तुरंत किसानों की जमीन को रिलीज कर दिया और किसानों को कहा कि इतना काम तो वो खुद खेती कर करके इतने लोगों को रोजगार दे सकते। सर एमपी की बात करते हैं, एमपी की बात कहा जाते हैं, एमपी की बात में जब आपने राहुल गांधी ने चुनाव के दौरे पर कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ, सही वो कर्जा माफी हुआ जैसे ही आए तो आपके चीफ मिनिस्टर साइन भी करते, लेकिन अभी भी जो नई वायरल खबरें चल रही है सब मीडिया दिखा रहा है कि आज भी वहाँ पे खेडूत परेशान है, कितना लोगों का आज मुआवजा नहीं मिला, उसमें क्या कहेंगे सरकार? जब जो पार्टियां होती है चुनाव में वादे तो करती है लेकिन वादा निभाने में निष्फल हो जाती है। देखिए 15 साल से वहाँ पर प्रशासन था, 15 साल से किसान को इस तरीके से दबा के रखा गया था, उन पर इतना कर्ज उन किसानों पे हो चुका था, उसको ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार जो हमारी कमलनाथ जी की सरकार है बहुत सकारात्मक भूमिका से काम कर रही है। आपने देखा होगा किसानों का कर्जा आते ही माफ करना, लेकिन कभी भी कोई बच्चा अगर पैदा होता है तो हम ये उम्मीद कर लेंगे वो तुरंत 18 साल का होकर के हमें चलने लगेगा, दौड़ने लगेगा और 100 मीटर की दौड़ वो दौड़ के और पास हो जाएगा। तो उसी तरीके से मैं कहना चाहता हूँ कि किसानों के कर्ज माफी को लेकर के कमलनाथ सरकार चिंतित है और किसानों का कर्जा माफ हो चुका है, ऑन रेकॉर्ड वो चल रहा है काम, वहाँ के किसानों के हित में और वही परिणाम लोकसभा में आएंगे। हाँ तो ये बात और आपके साथ भी आएंगे सर, जो आपने कहा कि तो आपकी जानकारी के तौर पर अब अगर गुजरात में चुनाव लड़ा जाएगा तो आपकी जानकारी पे कितनी सीटों पे आप चुनाव लड़वा पाएंगे? हम 2626 सीट पर हम चुनाव लड़वाएंगे और हम सभी सीटों पर अपना उम्मीदवार को खड़े करेंगे। तो अगर वहाँ तो गठबंधन नहीं हुआ भाई, यहाँ पे ऐसा कोई आंसर है? अगर हो सकता है लास्ट टाइम पे आपका कोई गठबंधन का असर दिखे? हाँ, वो हमारे जो लिस्ट है गठबंधन तो नेशनल लेवल पर उठाते हैं, कांग्रेस तो कहीं पीछे छूट गई है, उसको सुधारने विधानसभा में हमारा कोई गठबंधन कांग्रेस के पास में नहीं था। अब कांग्रेस को जरूरत पड़ी तो उस हमारे जो कैंडिडेट कैंडिडेट को हमने समर्थन किया और उस समर्थन के हिसाब से मध्य प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस की गवर्नमेंट चल रही है, सरकार चल रही है और उस सरकार की वजह से पहले ही हमारे पूरे देश के सभी लोगों को तो हिसाब से हमारे जो भी कैंडिडेट जीत के आए थे जो चुनाव बंद के दौरान इन लोगों को निकला गया ऐलान किया, कांग्रेस ने उसका पालन किया, हमारी बात सुन रही है सबके साथ सरकार ने अभी जो नया निर्णय दिया है वो किसानों को 10% अनामत दे दिया और क्या भी हो गया और घोषित भी हो गया, तो क्या ये 10% अनामत दलित को ठेस ना पहुंचते हुए केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है, क्या उसमें भी आपका कोई मत होना है कि फिर आप फिर से रोड पे आएंगे? देखिए बहुजन समाज पार्टी सभी समाजों के उत्थान के लिए कार्य करती है, बहुजन समाज पार्टी ने तो पहले ही कहा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी होती है उसके तो बहुजन समाज पार्टी और हमारा कोई भी कार्यकर्ता उस समय सभी लोग खुश है। हमारी माननीय नेता कुमारी बहन कुमारी मायावती जी ने भी कहा है कि जो निर्णय लिया है उसमें हम खुशी है और उसका हम पूरा स्वागत करते हैं, समर्थन करते हैं, साथ में बहुजन समाज पार्टी की सरकार के साथ आशा रखती है और मनसा रखती है और उनकी नीतियाँ कि यह आरक्षण की व्यवस्था निजी क्षेत्रों में भी लागू हो और बहुजन समाज पार्टी आने वाले समय में सरकार के साथ रहेगी और सरकार बनाएगी, इस विषय में जब अपना कार्य आगे जाएगी। ये भी एक नया जुमला है, ये बात कांग्रेस की बात आएगी, ये भी एक नया जुमला ही है, ये भी अनामन वाला जुमला ही है ना। मेरे को तो ये जुमला ही लगता है, वोट बैंक के लिए ये काम किया है तो बीजेपी वालों ने, रातों रात संसद के अंदर को लेके खड़ा पास कर दिया, वो लोली पोती है बच्चों के लिए सब के लिए लोली पोती, फिर भी वो पास हो गया है सब कुछ पर वो कोई सुहाना लोग जो लेने तैयार नहीं है, साढ़े चार साल के बाद इतने तभी उन लोग को नहीं दिया। लास्ट टाइम प्रतिनिधि थे यहाँ के जो स्थानीय नेता थे जिनका कहना है कि उत्तर प्रदेश जो भी गठबंधन हुआ है वो हमारा कांग्रेस से कोई मनमोटाव था, वो वहाँ नेशनलाइज जो नेताओं के बीच में जो भी मनमोटाव हो गया, लेकिन हम उनका भी कहना है कि हम सब कुछ सीट यहाँ भी लड़वा रहे हैं, कांग्रेस भी अपनी ताकत दिखा रही है,
और अभी श्रवण से लेकर बात की तो ये भी 10%, ये तो अभी कांग्रेस पार्टी की तो जो मत साथ बातचीत की उन्होंने कहा था कि ये भी एक जुमला ही है, लेकिन ये संसद में पास हो चुका है, राष्ट्रपति तक भी जा चुका, मोहर लग चुकी, अमलीकरण के आदेश दे दिए गए हैं। लेकिन ये बात मेरे में अभी भी एक आपसे छोटी सी बात को पूछ के मैं संपूर्ण सुनना चाहूँगा कि इसी वक्त जब 10% का अनामत दे दिया गया, हर बार अगर कुछ आरक्षण में छेड़खानी होती थी तो दलित रोड पर आ जाते, अब की बार ऐसा क्या मोदी सरकार ने आपको जादू दिखाया कि आप रोड पे नहीं हैं? देखिए, पहले ही आपने बता दिया है कि दलित जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो SC ST और OBC की जो आरक्षण है, उस आरक्षण के आंकड़े के हुए बिना ही उन्होंने 10% का आरक्षण सवर्ण समाज को दिया है। ये सवर्ण समाज के जो इन लोगों को मिला है, इसमें हम उसको बधाई देते हैं, और आप 10% देते तो है मगर रोजगार के अवसर कहाँ पैदा किए? तो जो रोजगार ही नहीं है तो इस 10% को कहाँ से देंगे? आज भी जो बैंगलोर की जगह बहुत खाली पड़ी है, SC ST और OBC की जगह तो भरी नहीं जा रही है, सभी जगह पर उन कर्मचारियों को बजट में कटौती के हिसाब से, और सचिवालय में भी जगह खाली, आज भी गुजरात के अंदर लगभग 46,000 जितनी बैकलॉग की जगह खाली पड़ी है। तो जो जगह खाली पड़ी है उनमें से और 10% की बात करके आप सचमुच ये जुमले जैसी बात है और गुमराह करने की बात है। और जो भाई ने आगे कहा लॉलीपॉप, तो उसी तरह प्रकार से जनता को मन को आश्वासन देने के लिए ही उन्होंने कार्य किया है, बाकी जमीनी तौर पर वो लागू नहीं होगा। तो आप भी देख रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर भी, आप जहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं वहाँ पर भी उनका कोई अस्तित्व नहीं दिखाई दे रहा है, तो चुनाव में भी उनका अस्तित्व दिखाई दे ऐसा मुझे नहीं लगता। क्या मुकेश सिंह ये 10% जो आरक्षण दिया है, क्या ये मुद्दे को लेकर बीजेपी बाजी मार रही है? जब बीजेपी को लगा बसपा सपा का उत्तर प्रदेश में पाँच राज्यों के दल जो आए, जो उनका जो घमंड है, जो उनका अपने आप में मतलब ऐसा अभिमान उनको हो चला था, उन्होंने कहा उस अभिमान को इन पांच राज्यों की जनता ने तोड़ जवाब दिया है, और उस जवाब के चलते उन सबकी तबीयत खराब हो गई है। कोई अमेरिका जा रहा है, कोई कांग्रेस ने बनाए हुए एम्स के अंदर भर्ती हो गया है, शीर्ष लीडर जो भी हैं वो सब कांग्रेस के नेताओं को हॉस्पिटल में देखना चाहते थे, वो सब खुद ही वहाँ जमा हो गए, जिससे ये साबित होता है कि देश की जनता किसी की भी तबीयत खराब कर सकती है। और आज जो जनता की हवा है, जनता का रुख है, वो कांग्रेस की तरफ है, और देश के अंदर राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस अगला चुनाव जीतने जा रही है, और 2019 के अंदर हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री की शपथ दिला रहे हैं। लाल, तो ये थे जो मुकेश सिंह, और उन्होंने बातचीत सपा बसपा से और कांग्रेस बसपा और कांग्रेस से बात की, उन्होंने कहा कि, और लास्ट बात उन्होंने ये कि हम देश की जो जनता है वो हर किसी की तबीयत खराब कर सकती है। मैं मेरे सहयोगी जनक ठक्कर के साथ, कैमरा पर्सन केतन के साथ, पारस राठौर, हिंदुस्तान की आवाज़, कुबेर नगर।